हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं डक्टेबल एयर कंडीशनिंग है, जिसमें एचपी एलपी का अलार्म आ रहा है। तो इसमें क्यों अलार्म आ रहा है, इसमें क्या फॉल्ट हो रहा है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अलार्म को एक बार रीसेट करेंगे। अलार्म जैसे हम लोग रीसेट करते हैं तो उसी टाइम हमारा तुरंत ये अलार्म आ जा रहा है एच पी एल पी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, रीसेट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक रीसेट का बटन है, इसको हम लोग जब प्रेस करेंगे तो हमारा अलार्म रीसेट हो जाएगा। तभी देखिए हमारा अलार्म रीसेट हो गया है और कंप्रेसर भी ऑन हो गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये अभी कुछ समय चलेगा तुरंत तो जैसा कि आप लोग को मैं बता रहा था, आप लोग देख सकते होंगे कुछ सेकेंड चला है हमारा कंप्रेसर और इसमें अलार्म आ गया है। अभी दिखा रहा है, देख सकते होंगे कि एच पी एल पी का अलार्म आ रहा है। तब हम लोग आउटडोर पे जा रहे हैं और आउटडोर पे अभी चेक करते हैं हम लोग इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने आउटडोर पे आया है तो यही हमारा जो आउटडोर है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें गैस चेक करेंगे इसका कि हमारे सिस्टम में गैस है कि नहीं है। हम लोगों ने गेज लगाया है तो गेज में दिखा रहा है करीब 110 PSI तक हमारा आ रहा है स्टैंडिंग में प्रेशर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसका कंट्रोल साइड में ओपन करके चेक करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रेस करके चेक करेंगे कि हमारा कितना प्रेशर तक आ रहा है। कंट्रोल साइड में ओपन कर लिया है तो यहाँ पे तो कुछ भी हमारा जो कंट्रोलर है, यहाँ पे जो आउटडोर में हमारा कंट्रोलर लगा है, इसमें कुछ भी अलार्म तो शो नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते होंगे इसका जो LED है नॉर्मल वर्किंग में है, इसका पावर का LED भी जल रहा है और कुछ भी अलार्म हमारा शो नहीं कर रहा है। तो अभी हमारे सिस्टम में गैस प्रेशर भी सही है, करीब देख सकते होंगे कि कितना दिखा रहा है, 125 PSI तक हमारा गैस प्रेशर आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैन्युअली प्रेस करके चालू करके देखेंगे कि हमारा गैस प्रेशर बराबर है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टैंडिंग में तो प्रेशर दिखाता है लेकिन जब रनिंग होता है उसी टाइम प्रेशर डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारा एच पी एल पी का अलार्म आएगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग उस चीज़ को कंफर्म करेंगे, अगर हमारा सिस्टम में गैस प्रेशर अगर बराबर है उसके बावजूद भी एच पी एल पी आ रहा है, तब हम लोग 1x1 करके एच पी एल पी को चेक करेंगे, और नहीं हो तो हो सकता तो उसको बाईपास करके भी चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर प्रेस करने वाले हैं। आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर प्रेस करके इसको चालू किया है, तो इसमें हमारा देख सकते होंगे कि जो कंप्रेसर एम्पियर ले रहा है 7 एम्पियर तक ले रहा है और इसमें हमारा गैस प्रेशर आया है। गैस प्रेशर आप लोग देख सकते होंगे कि 25 PSI तक हमारा गैस प्रेशर आया है, यानी कि हमारे सिस्टम में गैस का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हमारा जो सिस्टम रिमोट में दिखा रहा था तुरंत तुरंत HPLP में जा रहा था, HPLP में ट्रिप हो रहा था। तो अगर आप लोग को इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम मिले तो स्टेप बाय स्टेप करके चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें गैस प्रेशर अगर बराबर रहता तो उसके बाद हम लोग HPLP को चेक करते स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे HPLP को किस तरीके से चेक करेंगे और उसको अगर बाईपास करना है तो कैसे बाईपास करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि जब हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्टर प्रेस किए थे तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हुआ था और नॉर्मली वर्किंग में था और हमारा कंप्रेसर एम्पियर ले रहा था, 7.123 एम्पियर तक ले रहा था हमारा कंप्रेसर। और उसी टाइम हमारा जो गैस का प्रेशर था रनिंग कंडीशन में आया था करीब 25 PSI तक आया था। अभी आप लोग देख सकते होंगे कि स्टैंडिंग में इसका गैस प्रेशर है करीब 125 PSI तक है, यानी कि हमारे जो सिस्टम में है सिस्टम में लीक है, माइनर किधर ना किधर भी माइनर लीक है, जिसके वजह से हमारे सिस्टम का गैस प्रेशर कम हुआ है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप लोग को इस टाइप का कुछ लीक मिलता है, अगर आपका सिस्टम एच पी एल पी में ट्रिप मार रहा है, तो यानी कि उसके सिस्टम में आपको आके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले पे ये नहीं क्लियर लिखता है कि LP का प्रॉब्लम है कि HP का प्रॉब्लम है। आपको उसी टाइम आके चेक करना पड़ेगा, गेज लगा के देख सकते होंगे या तो क्लैंप मीटर से भी चेक करेंगे। अगर आपका जैसे कि HP में ट्रिप मारेगा तो उसी टाइम आपका कंप्रेसर एम्पियर थोड़ा जास्ती लेगा, अगर LP में ट्रिप मारेगा तो आपका कंप्रेसर एम्पियर कम रहेगा, यानी कि गैस अगर कम रहेगा तो उसी टाइम कंप्रेसर का एम्पियर भी कम रहता है, और जब गैस प्रेशर ज़्यादा रहता है तो कंप्रेसर का एम्पियर भी ज़्यादा रहता है। तो अगर आप लोग के पास गेज नहीं है तो एम्पियर मीटर भी लगा के चेक कर सकते होंगे कि इसमें HP का प्रॉब्लम है कि LP का प्रॉब्लम है। अगर गेज है तो गेज के साथ से चेक करेंगे तो और आसानी से जल्दी से चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग इसमें टेम्परेरी के लिए थोड़ा गैस टॉप अप करके चालू करके चेक करने वाले हैं हमारा सिस्टम नॉर्मली वर्किंग में रहता है कि नहीं रहता है। तो अभी आप लोग देख सकते होंगे कि हम लोगों ने सिस्टम में गैस चार्जिंग करना शुरू कर दिया है,
और यहाँ पे अभी करीब हमारा सिस्टम में दिखा रहा है, देख सकते होंगे कि करीब 170 तक हमारा प्रेशर आ रहा है, स्टैंडिंग का प्रेशर है। तो अभी अब हम लोग इसका अलार्म को रीसेट करेंगे, रीसेट करके चालू करके देखेंगे कि हमारा सिस्टम नॉर्मली वर्किंग में है कि नहीं। होंगे कि हम लोगों ने थोड़ा गैस टॉपअप किया है तो हमारा गैस प्रेशर करीब रनिंग में आ गया है, 50-55 PSI तक है, और हमारा कंप्रेसर एम्पियर ले रहा है 8.9 एम्पियर तक हमारा कंप्रेसर ले रहा है। यानी कि हमारा जो सिस्टम है इसमें गैस का प्रॉब्लम था और गैस की वजह से हमारा सिस्टम LP में ट्रिप मार रहा था। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।